सातवें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके अनुसार बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है? ए वुडवर्थ के अनुसार, बी टर्मन के अनुसार, सी बर्ड के अनुसार और डी मैकडूगल के अनुसार। चलिए बिल्कुल सीधा साधारण जो है एक प्रश्न हमारे पास आया, किसके अनुसार बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। अब इसके भी चारों ऑप्शन को एक बार देखने का प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन है वुडवर्थ के अनुसार। अगेन देखिए इस प्रश्न के ऑप्शन के साथ भी हमारे पहले के प्रश्नों को हम क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। तो वुडवर्थ के अनुसार जो है हमने देखा था तीन चीजें जो है उनके डेफिनेशन के साथ मैच कर रही थी, जिसमें जन्मजात योग्यता कहीं पे भी नहीं था, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन कहता है टर्मन के अनुसार। तो अब हम टर्मन की डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करते हैं कि टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है, या टर्मन ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए क्या कहा, या टर्मन द्वारा प्रदत्त बुद्धि की परिभाषा क्या है। तो टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचना, टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचना क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। कुछ यही डेफिनेशन था, याद आया आप लोगों को, कुछ यही डेफिनेशन था, यही डेफिनेशन था ना, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचना क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सीधा सा जो है उन्होंने डेफिनेशन दिया था। किसने दिया था, टर्मन ने दिया। तो जब उन्होंने ये दिया तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बचे हमारे पास ये दो ऑप्शन, कौन बचा, एक बर्ड बचे और एक मैकडूगल बचे। तो अब इनमें से भी जो है हम कंपेयर कर लेते हैं। हमने पहली परिभाषा में ही अपने जो है वो मैकडूगल के जो है वो परिभाषा को लिया था, जिसमें कहीं पे भी बुद्धि को एक जन्मजात योग्यता नहीं बताई गई थी, अर्थात ये ऑप्शन नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बर्ड। बर्ट के अनुसार जो है बर्ट ने परिभाषित किया था कि बुद्धि एक जन्मजात योग्यता होती है। तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा, सही उत्तर क्या होगा, बर्ट होगा। चलिए आगे हम कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। आप इन प्रश्नों को जो है अच्छे से रिवाइज कीजिए, तैयार कीजिए। आप इन्हीं प्रश्नों से और प्रश्न भी जो है वो बना सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी अच्छा परफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्नों के अंदर से आप और प्रश्न निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कैसे निकाल सकते हैं। मैंने लिखा था किसके अनुसार बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है, वुडवर्थ के अनुसार, टर्मन के अनुसार, बर्ड के अनुसार, मैकडूगल के अनुसार। ठीक है, अब यहां से प्रश्न निकलता है, यहां से आप लिख सकते हैं बर्ड के अनुसार बुद्धि है ए क्रियाशीलता, बी कार्य करने की योग्यता, सी जन्मजात योग्यता, डी वातावरणीय
सामंजस्य। ठीक है, मैंने ये प्रश्न जो है आप देखिए, ये प्रश्न जो है मैंने कहां से निकाला, इस प्रश्न से निकाल लिया। ठीक है, मैंने ये प्रश्न जो है वो इसी प्रश्न से निकाल लिया। आप फिर अगेन इसी प्रश्न से एक और प्रश्न निकाल सकते हैं, और इस तरीके से जो प्रैक्टिस है, आप जो तैयारी करते हैं, तैयारी के अंदर चयनित होने का या प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी सीट को सुनिश्चित करने का, अपना एक स्थान बनाने का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन और सबसे बोलते हैं कि अप्रोप्रिएट जो तरीका होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अधिक आपके अंदर परफेक्शन आएगा। जितना ही आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके अंदर परफेक्शन उतना ही आता जाएगा, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। ओके, चलो हम सातवें नंबर के क्वेश्चन पे थे, सातवें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। सातवां प्रश्न, टर्मन के अनुसार डैश 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 वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। ये एक डेफिनेशन हमने लिया प्रश्न के अंदर। ए, मूर्त वस्तु, बी अमूर्त वस्तु, सी ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन है न तो ए न ही बी। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन आया, टर्मन के अनुसार किस प्रकार के वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। वापस से हम लोग जो है रिकॉल करेंगे टर्मन की परिभाषा में। तो टर्मन की परिभाषा में जब हम लोग जाते हैं, इनफैक्ट जितनी परिभाषाएं मैंने आपको पढ़ाई थी, किसी भी परिभाषा में अगर हम लोग जाते हैं तो मूर्त वस्तुओं का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, मूर्त वस्तुओं का जिक्र नहीं किया गया है, सभी जगह पे अमूर्त वस्तुएं जो है वो शामिल की गई हैं। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचना, यानी कि जो हमारे सामने नहीं है, जिनके साक्ष्य हमारे सामने नहीं है, जिनको हमने कभी जाना ही नहीं है, जिनको समझा ही नहीं है, कुछ ऐसी वस्तु के विषय में जब हम विचार करते हैं, जब उसको सोचते हैं, जब उसके लिए किसी क्रियाशीलता के लिए हम प्रयत्न होते हैं, उनकी प्राप्ति की ओर जब हम अग्रसर होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति या ऐसी क्रिया को, ऐसी योग्यता को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। किसके अनुसार, टर्मन के अनुसार। तो अमूर्त वस्तु जब हमारा ऑप्शन करेक्ट हो ही गया है तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, और दोनों में से कोई एक ना हो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि बी ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। तो ये प्रश्न हमारा कि टर्मन के अनुसार किन वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि कहलाती है, तो कौन से वस्तु आ गए हमारे सामने, अमूर्त वस्तु आ गए। नेक्स्ट आइए आठवां प्रश्न, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह परिभाषा किसकी है। ए
गाल्टन की, बी बकिंघम की, सी बर्ड की और डी टर्मन की। चलो भाई, परिभाषाओं के ऊपर सीधा प्रश्न हमारे सामने ये आ गया, 8वें नंबर का प्रश्न। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, किसने कहा था? अगर याद है तो आप बिल्कुल टिक कर दीजिए, नहीं याद है तो हम लोग एक विश्लेषण पे चलते हैं, एक एनालिसिस करते हैं। किसका? हमारे ऑप्शंस का, तो उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन है गाल्टन। गाल्टन की बात जब हम करते हैं तो हम गाल्टन की परिभाषा को एक बार याद करते हैं कि गाल्टन ने बुद्धि के विषय में क्या कहा था। आप रिकॉल करें, याद करें, गाल्टन के अनुसार जो है वो बुद्धि की परिभाषा क्या है, याद आ गया होगा। गाल्टन के अनुसार पहचानने पहचानने तथा सीखने की शक्ति, सीखने की शक्ति क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। गाल्टन ने क्या कहा था कि पहचानने और सीखने की जो शक्ति है होती है वो क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। तो सीखने की शक्ति यहाँ पे क्या है? केवल और केवल सीखने की शक्ति की बात हो रही है, जबकि गाल्टन के अनुसार जो है उसमें सीखने के साथ साथ पहचानना भी बहुत जरूरी है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? रॉन्ग हो गया इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट आते हैं बी बकिंघम की। तो बकिंघम की परिभाषा में भी जाते हैं हम लोग कि उनके अनुसार बुद्धि क्या है। जी हाँ, बकिंघम की परिभाषा जब आपने रिकॉल की तो यस, ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि सीखने की शक्ति बुद्धि है। ये परिभाषा किसकी है? बकिंघम की है। और जब बकिंघम की परिभाषा ये है तो बर्ड की और टर्मन की ये परिभाषा हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे सामने जो है वो करेक्ट आंसर सीखने की शक्ति बुद्धि है या परिभाषा किसकी है, तो सीधा सीधा आंसर है हमारे पास बकिंघम की है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौ नंबर, गाल्टन के अनुसार बुद्धि है, ठीक है, ए सीखने की शक्ति, बी पहचानने की शक्ति, सी ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मजेदार प्रश्न। मजेदार प्रश्न क्यों है? क्योंकि अगेन इस प्रश्न का जो उत्तर है ये उत्तर ऑलरेडी आपके इस प्रश्न में आ चुका है। ठीक है, गाल्टन के अनुसार बुद्धि है, क्या है भाई? हमने इसके पहले वाले प्रश्न में ही पढ़ा था कि गाल्टन की परिभाषा में पहचानने और सीखने दोनों की शक्तियों के बारे में बताया गया है बुद्धि के संबंध में। तो अब सीधा सीधा यहाँ पे पूछा जा रहा है गाल्टन के अनुसार बुद्धि क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है सीखने की शक्ति, यस सीखने की शक्ति है। यहाँ लिखा है पहचानने की शक्ति, जी हाँ बिल्कुल उनके अनुसार पहचानने की शक्ति है। तो जब ये दोनों ही करेक्ट हो रहे हैं तो सी ऑप्शन हमारा आएगा, ए तथा बी दोनों, यानी कि गाल्टन के अनुसार बुद्धि सीखने की शक्ति तथा पहचानने की शक्ति है। क्या होगा इसका आंसर? सीखने की शक्ति तथा पहचानने की शक्ति है। ए बी दोनों करेक्ट होंगे। जब ये करेक्ट हो रहा है तो डी ऑप्शन का हमारा कोई मतलब
नहीं बनता है। तो इस तरीके से जो है वो प्रश्नों की श्रृंखलाओं को अगर आप ढंग से देखें तो प्रश्न जो है वो कहीं और से नहीं आते हैं। अगर आप डेफिनेशंस में जो पॉइंट दिए गए हैं, जो कंटेंट दिए गए हैं पूरे सेंटेंस के अंदर, जो फोकस पॉइंट है आपका, जिसके ऊपर आपको बल देना है, जिसके ऊपर आपको अपना फोकस डालना है, अगर वो शब्द पर्टिकुलर मनोवैज्ञानिक से कोरिलेट करके अगर आप याद कर लेते हैं तो कभी भी आप परिभाषा जो है वो भूलेंगे नहीं, ठीक है। और अगर आप मनोवैज्ञानिक के साथ उस शब्द को मैच नहीं कर पाते हैं या उसके कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं तो परिभाषाएं हमेशा 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 आपके लिए क्या रहेंगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहेंगी, ठीक है। क्योंकि सब एक दूसरे से लगभग लगभग मिलती जुलती हैं, उनमें वेरिएशन बहुत कम है, बहुत कम वेरिएशन है। ऐसा लगता है कि ये इनकी भी हो सकती है, ये इनकी भी हो सकती है। ऑप्शंस आपको जो है एक के बजाय दो करेक्ट लगते हैं, कई बार तीन करेक्ट लगते हैं। और परीक्षाओं में जो है आपके हड़बड़ाने का कारण जो है वो यही होता है, क्योंकि आपको सब सही लगता है तो सब में से फिर एक ही तो हमें ऑप्शन चाहिए ना। सारे ऑप्शन को तो हम क्लिक नहीं कर सकते, सारे ऑप्शन को हम लोग अपने OMR में नहीं भर सकते हैं, हमें तो कोई एक ही चूज करना है। तो अब वो एक चूज करने के लिए आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए तैयारी करने का। इसीलिए प्यारे बच्चों मैं आपको बोल रही हूँ कि जितना ज्यादा आप प्रश्नों की तैयारी करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप अपने सिलेक्शन का जो है एक बोलते हैं स्थान जो है आप धीरे धीरे उसकी जगह को क्या करते हैं, बनाते जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है वो स्थान आपके पास स्वयं चला आता है। कैसे चला आता है? आपके इस तरीके के कर्मों की वजह से, अर्थात जो आप तैयारी करते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जो आपके फैक्ट्स बिल्कुल अप टू द मार्क होते हैं, तैयार होते हैं, आपको समय नहीं लगता है। प्रश्न देखते ही आपने एनालिसिस नहीं किया, सीधा अगर आप उसके कंसेप्ट को समझ रहे हैं, अगर डेफिनेशन आपको याद है तो आप तो सीधा सीधा आंसर टिक कर देंगे ना, सीधा आंसर टिक करने में आपका समय बचेगा। तो दूसरे प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो आपके लिए डिफिकल्ट हो रहे हैं, जिनमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जिनमें आपको एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है, आप उनको क्या करेंगे, समय दे पाएंगे, ठीक है। और इस वजह से आपके प्रश्न जो है कोई भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 9 प्रश्न हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 10वें नंबर पे आते हैं। नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है, परिभाषा किससे संबंधित है? चलिए ऑप्शन देखें। ए गाल्टन, बी बकिंघम, सी क्रूज, डी वेस्लर। ये प्रश्न हमारे सामने है। नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है, परिभाषा किससे संबंधित है? आइए एक एक जने को हम फिर से रिकॉल करते हैं उनकी परिभाषाओं के साथ। गाल्टन, जब हम गाल्टन की बात करते हैं तो हमने अगेन ऊपर के 3-4 प्रश्नों में जो है वो गाल्टन के विषय में हमने अध्ययन किया है, जिसमें सीखने और पहचानने की शक्ति के संबंध में बुद्धि को कोरिलेट किया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बकिंघम की परिभाषा में हम लोग आते हैं, तो बकिंघम की परिभाषा को एक बार आप रिकॉल करें। बकिंघम की परिभाषा, बकिंघम के अनुसार बुद्धि की परिभाषा जो दी गई थी उसमें ये कहा गया था कि सीखने की शक्ति क्या है, बुद्धि है।
तो अगर ये कहा गया है तो हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। क्रूज के पास हम लोग आते हैं और वेस्लर के पास आते हैं, यानी कि ये और ये ऑप्शन तो हमारे इस प्रश्न से जो है वो नहीं मिलते हैं या हमारे किसी काम के नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्रूज और वेस्लर पे, तो अगर मैं क्रूज पे आती हूँ सबसे पहले तो यस, जितना मुझे याद है क्रूज के अनुसार ही जो है ये परिभाषा बुद्धि के लिए दी गई है, जबकि वेस्लर के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, जबकि वेस्लर के अनुसार किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करना, तर्क करना, चिंतन करना, ठीक है, इसके विषय में बताया गया था ना, किसी पर्टिकुलर उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, जो तर्क कर रहे हैं और जो चिंतन कर रहे हैं, इनमें सामंजस्य स्थापित करना जो है वो क्या है, बुद्धि कहलाता है। किसके अनुसार था? वेस्लर के अनुसार था। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, अर्थात पहले भी अगर सी तक हम पहुंचे थे तो भी जिनको आता है डायरेक्ट उनके पास ये डायरेक्ट आ गया, और जिनको नहीं आता है इसको एक बार फोल्ड कीजिए, पेंडिंग कीजिए, छोड़िए, और उसके बाद आप इसके एनालिसिस कीजिए। अगर इसके एनालिसिस करते हैं तो उद्देश्यों की पूर्ति में कार्य, तर्क, चिंतन के साथ सामंजस्य बिठाना क्या है, बुद्धि कहलाता है। किसके अनुसार? वेस्लर के अनुसार। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, अर्थात कुल मिलाकर के हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये जो प्रश्न हमारे सामने आया, क्या प्रश्न था? नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि कहलाती है, परिभाषा किसके अनुसार प्रदत्त है? क्रूज के अनुसार। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए 11 नंबर। अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य एवं अभियोजन का सार्वभौम ही बुद्धि है। कथन किसका है? ए जर्मन का, बी गाल्टन का, सी वुडवर्थ का, और डी वेस्लर का। ये प्रश्न हमारे सामने आया, अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य एवं अभियोजन का सार्वभौम ही बुद्धि है, कथन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन आया हमारे पास टर्मन। जब टर्मन के पास आते हैं या टर्मन की डेफिनेशन को हम लोग रिकॉल करते हैं, तो टर्मन की डेफिनेशन में ये कहा गया था, जो व्यक्ति जितना अधिक सोच विचार कर सकता है, टर्मन के डेफिनेशन में क्या कहा गया था, जो जितना सोच विचार कर सकता है वह उतना ही बुद्धिमान होता है, ठीक है, जो जितना सोच विचार करता है उतना ही क्या होता है, बुद्धिमान होता है। तो ये किसकी डेफिनेशन आ गई थी? टर्मन की। गाल्टन में जब हम लोग जाते हैं तो ऑलरेडी गाल्टन में हमने जो है वो दो चीजें देखी थी, क्या चीजें देखी थी गाल्टन में? सीखने की शक्ति और पहचानने की शक्ति, ठीक है, ये हमने किसमें देखा था? गाल्टन की परिभाषा में। वुडवर्थ की जब परिभाषा में हम जाते हैं कि वुडवर्थ की परिभाषा में क्या कहा गया, किसी भी कार्य को अकलमंदी से करना, विवेक से करना और समझदारी से करना, ठीक है, ये तीन पॉइंट रखे गए थे, किसी भी कार्य को अकलमंदी से करना, समझदारी से करना और विवेक से करना क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। तो अगर मैं आऊं तो यहां तीन पॉइंट थे, अकलमंदी, समझदारी और तीसरा था हमारे पास विवेक, से करना क्या कहला रहा था, बुद्धि कहला रहा था, है ना। तो ये इसमें आया नहीं तो ये ऑप्शन होगा नहीं, यानी कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं,
अगर हम एक नॉर्मल तरीके से जाएं तो भी हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, और अगर हम इसके विश्लेषण में जाएं तो विश्लेषण में जब हम जाते हैं और वेस्लर के पूरे जो कंप्लीट डेफिनेशन जो बुद्धि का इन्होंने दिया है या जो परिभाषा इनके द्वारा प्रदत्त है, अगर हम पूरे परिभाषा को जानने का प्रयास करें तो परिभाषा में ये कहा गया था कि किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य करना, तर्क करना, चिंतन करना और इन सब में समायोजन करना, और समायोजन करके पर्यावरण के साथ सामंजस्य एवं अभियोजन का सार्वभौम क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। अर्थात यहां से जो है ये पूरा जो है ये तो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो इसको इंक्लूड करके बनती है। तो ये किसके अनुसार है? वेस्लर के अनुसार है। जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? वेस्लर होगा। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न, 12 नंबर। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ए वेस्लर द्वारा, बी हिलगर्ट द्वारा, सी बकिंघम द्वारा और डी क्रूज द्वारा। ठीक है, ये एक प्रश्न जो है हमारे सामने आ गया, बिल्कुल फैक्ट के ऊपर ये प्रश्न है। इसमें समझने जैसा, कंसेप्ट को डालने जैसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपल प्रश्न है जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, फैक्ट बेसिस ये प्रश्न है। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मैंने जब आपको पढ़ाया था हिलगर्ट के विषय में, तो हिलगर्ट के विषय में पढ़ाते समय ही उनकी परिभाषा जो दी गई थी, क्या थी परिभाषा उनकी? हिलगर्ट की परिभाषा क्या है बुद्धि के लिए? बुद्धि वह है जिसको हम बुद्धि परीक्षण में मापते हैं। इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था? बुद्धि वह है जिसे बुद्धि परीक्षण में मापते हैं। तो ये डेफिनेशन बेसिकली हिलगर्ट के द्वारा दी गई थी। अब ये जो बुद्धि परीक्षण, ये जो टर्म आया है, ये जो शब्द आया है, जब हम बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं तो इस बुद्धि परीक्षण के संबंध में जो है ये किताबें लिखी गई, बहुत सारे क्रियाकलाप, बहुत सारे जो है वो रिसर्च जो है वो हिलगर्ट के द्वारा किए गए, और इससे संबंधित ही, इन परीक्षणों से संबंधित ही जो है एक पुस्तक जो है लिखी गई, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, जिसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? हिलगर्ट के द्वारा किया गया। बिल्कुल फैक्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है और आपको ये लर्न हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। ये हमारा प्रश्न हो गया। नेक्स्ट आइए एक आध प्रश्न और कर लेते हैं। अब बिल्कुल साधारण सा प्रश्न कर लेते हैं, एक आध प्रश्न साधारण सा कर लेते हैं। विशेष परिस्थितियों में प्रयोग में ली जाने वाली बुद्धि कहलाती है। ए सामान्य बुद्धि, बी
मूर्त बुद्धि, सी अमूर्त बुद्धि और डी विशिष्ट बुद्धि। चलिए जी, ये प्रश्न हमारा जो है वो हमारे सामने है। अब हम इसको देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विशेष परिस्थितियों में प्रयोग में ली जाने वाली बुद्धि कहलाती है। विशेष परिस्थिति यानी कि किसी भी स्पेशल टाइम पीरियड पे, किसी भी स्पेशल एनवायरनमेंट के अंदर, किसी भी स्पेशली नेचर की किसी स्पेशल एक्टिविटी के दौरान, मतलब कुछ ऐसा जो बिल्कुल कॉमन नहीं हो, ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में प्रयोग में ली जाने वाली बुद्धि क्या कहलाती है। सामान्य बुद्धि की हम लोग बात करते हैं तो सामान्य बुद्धि जो है वो बिल्कुल सामान्य परिस्थितियों में प्रयोग में ली जाती है, यानी कि कॉमन जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर प्रयोग में ली जाती है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। मूर्त बुद्धि की जब हम बात करते हैं तो मूर्त बुद्धि जैसा कोई शब्द है ही नहीं, ठीक है। मूर्त वातावरण हो सकता है, मूर्त हमारे क्रियाकलाप हो सकते हैं, मूर्त जो है हमारे विभिन्न प्रकार के परिवेश हो सकते हैं, बुद्धि हमारी मूर्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार बुद्धि हमारी मूर्त नहीं है, वैसी बुद्धि हमारी अमूर्त भी नहीं है। बुद्धि जो है हमारी अमूर्त नहीं है, ना हम उसको मूर्त कह सकते हैं ना हम अमूर्त कह सकते हैं। परिस्थितियां होती हैं जो मूर्त और अमूर्त होती हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में प्रयोग में ली जाने वाली बुद्धि फिर क्या होगी? विशिष्ट बुद्धि होगी, क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था जब हम पढ़ रहे थे परिभाषा, तो परिभाषा के बाद मैंने बुद्धि के जो है वो दो प्रकार आपको पढ़ाए थे। उन दो प्रकारों में पहला था सामान्य बुद्धि और दूसरा क्या था? विशिष्ट बुद्धि। सामान्य परिस्थितियों में जो प्रयोग में लिया जाता है वो सामान्य हो जाता है, विशिष्ट परिस्थितियों में जो प्रयोग में लिया जाता है वो क्या होता है? विशेष परिस्थितियों में जो प्रयोग में लिया जाता है वो क्या हो जाता है? विशिष्ट बुद्धि। तो ये जो है वो प्रश्न मैंने आपको उन्हीं कंटेंट में से देने की का प्रयास किया जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। अब आप स्वयं को जांचें, अब आप खुद को जांचें। मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, बहुत सारी किताबें होंगी, हो सकता है आप गिनती ना कर पाए, आपके पास इतनी किताबें होंगी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, इस विषय से रिलेटेड, इस कंटेंट से रिलेटेड बहुत किताबें होंगी, बहुत नोट्स भी होंगे, आपने बहुत सारे कोचिंगों के नोट्स इकट्ठे किए होंगे, आपने बहुत सारे टीचर्स के नोट्स इकट्ठे किए होंगे जो ये पार्ट पढ़ाते हैं। लेकिन उन सबको पढ़ने के बाद आप खुद को इवैल्यूएट कीजिएगा कि इन 13 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर आप दे पाए हैं। जबकि ये प्रश्न मैंने कहीं ऐसा नहीं कि किसी एग्जाम में आया हुआ था मैंने दे दिया, किसी गाइड से उठा करके दे दिया, किसी पर्टिकुलर किसी की किताब से उठा करके दे दिया। नहीं बच्चों, ये प्रश्न मैंने आपको जो पढ़ाया था पिछली कक्षा में, एक घंटे का जो मेरा लेक्चर था, शायद एक घंटे से कम का ही था वो जो लेक्चर था, उस लेक्चर के अंदर से ये क्वेश्चन निकाल करके मैंने आपको दिया, जिसका एक्सप्लेनेशन अगेन मुझे लगता है शायद घंटे भर का हो गया होगा। तो अगर इतना अच्छे तरीके से अगर आप पूरे टॉपिक को पढ़ते रहेंगे और अगर इसके एक्सप्लेनेशन को अपन इतने अच्छे से सॉल्व करेंगे, फिर कहाँ गुंजाइश है कि टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आए आपको, ये टॉपिक आपका अधूरा रह जाए? नहीं हो सकता है ऐसे। तो इसी तरीके से जो है आप अपना तैयारी का एक पैटर्न बनाइए, आप बिल्कुल कंटेंट दर कंटेंट जो भी आप टॉपिक पढ़ें उस टॉपिक को बिल्कुल गहराई तक जा करके आप उसको पढ़ करके, उसको समझ करके उनके प्रश्नों को अगेन एंड अगेन सॉल्व कीजिए, प्रश्नों से फिर प्रश्न बनाइए, फिर वापस उसको सॉल्व कीजिए, और इस तरीके से विश्लेषण विधि का प्रयोग करके आप इन प्रश्नों को जब सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट आपका क्या होगा, और भी ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो चलिए, ये प्रश्न थे, ये हमने देख लिया। अब आगे की क्लास में परिभाषा के आगे जो टॉपिक हमें लेना है बुद्धि के लिए,
वो हम लोग लेंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। और मैं प्रयास करूंगी आगे चल के, हो सकता है कि मैं लाइव आकर के आप लोगों को क्लासेस में आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कराऊं और क्वेश्चन आंसर में हो सकता है लाइव कराऊं। इसमें थोड़ा सा मजा आएगा ना, आप ऑप्शन थोड़ा सा आप लोग भी रिप्लाई करेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो आप लोग भी उस टॉपिक को पढ़ के रखेंगे और ऑप्शंस को जब आप भी थोड़ा रिप्लाई करेंगे और मैं भी उसको एक्सप्लेन करूंगी तो थोड़ा मजा आएगा। तो जो हमारा क्लासरूम प्रोग्राम है वो थोड़ा हेल्दी होना चाहिए, थोड़ा मजेदार होना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ मैं भी रहूं, इंटरेस्ट के साथ आप भी रहें, तो कहीं ना कहीं जो है वो बोलते हैं ना कि जो हमारा कोर्स है वो पूरी तरीके से पूरित होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।